नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद शाहीन और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि घर बैठे एयर फ्रेशनर यानी कि घर को खुशबू से भरने वाला यंत्र कैसे बनाते हैं। आप उस यंत्र को घर में भी लगा सकते हैं, बाथरूम टॉयलेट वगैरह या फिर किचन में भी लगा सकते हैं, जिससे वो यंत्र जब चालू रहेगा तभी उसमें से खुशबू निकलती रहेगी और वातावरण भी खूबसूरत और खुशबू से भरा रहेगा। तो चलो बनाते हैं एयर फ्रेशनर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दीजिए और पास में रही घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, फ़ोटो को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप फ़ोटो खींच खींच के बनाया है कि उस एयर फ्रेशनर को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी, बनाते हैं और आखिर में दिखाऊंगा कि वो कार्य कैसे करता है। बने रहिए मेरे साथ और जाइएगा नहीं कहीं। फ्रेंड्स, अब रेडी हो चुका है हमारा एयर फ्रेशनर। देखिए, तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि कैसे काम करता है, दिखाएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, ये रहा वो एयर फ्रेशनर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, जो कि घर के वातावरण को खुशबू से भर देता है। तो इस एयर फ्रेशनर को हम घर पर कहीं पर भी लगा सकते हैं, घर, बाथरूम, टॉयलेट या किचन में लगा सकते हैं, जिससे हम आसपास के वातावरण को क्लीन रख सकें और थोड़ा बहुत पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस एयर फ्रेशनर की खासियत ये है कि हम इसमें कोई भी ऐसा तत्व डाल सकते हैं जिसमें से खुशबू निकलती हो, जिससे घर में खुशबू फैल सके, जैसे कि अगरबत्ती है या ओडोनिल है या कोई भी ऐसा खुशबूदार तत्व। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आराम से घर को खुशबू से भर दीजिए और ये घर पे बना के ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है और घर की वेस्ट चीज़ों में से हम इसे बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स।